कम बैक टू शाजिल सर क्लासेस क्या हाल चाल हैं आप लोगों के मुझे पूरी उम्मीद है यार बढ़िया होगी और अब तक जो पढ़ाया है वो सब आपने पढ़ ही लिया होगा बताओ लास्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक के कहाँ तक डिस्कस किया था हमने हमने आई यू पी सी ने डिस्कस करी थी पूरी आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ध्यान से पढ़ना आराम से आपके समझ में आ जाएगा समझदार लोग हो सब तो चलो स्टार्ट करते हैं तो आज का टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म ये लेक्शन नंबर ट्वेल्व है हमारा तो सबसे पहले ये समझो कि आइसोमर्स क्या होते हैं सुनो ध्यान से काजल बेटा सुनो ध्यान से क्या कहा मैंने वो कंपाउंड या सुनो ध्यान से कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज जिनका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम हो बट प्रॉपर्टीज क्या हो अलग हो और प्रॉपर्टीज अलग होने के दो रीजन हो सकते हैं प्रॉपर्टीज अलग होने के क्या हो सकते हैं बेटा दो रीजन डू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर और सेकेंड स्पेशल अरेंजमेंट आर कॉल्ड आइसोमर वो कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम हो प्रॉपर्टी अलग हो प्रॉपर्टी अलग क्यों होगी या तो उनका स्ट्रक्चर अलग होगा या फिर स्पेशल अरेंजमेंट स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया स्पेस में अरेंजमेंट अलग होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे आइसोमर एंड दिन इज नोन एज एंड सोनोमिना इज नोन एज आइसोमेजम दोबारा बता रहा हूँ कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम हो मेन चीज है फॉर्मूले का सेम होना और प्रॉपर्टी का डिफरेंट होना प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है कि उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा या स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होगा इसी बेसिस पर आइसोमेरिज्म आपके दो टाइप के होते हैं सबसे पहला क्या है आपका स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म दूसरा क्या है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म तो सुने आप ध्यान से

रिंग चेन आइसोमेरिज्म फंक्शनल आइसोमेरिज्म मेटामेरिज्म टोटोमेरिज्म बात समझ में आ गई कि आपका फॉर्मूला सेम है प्रॉपर्टीज अलग है प्रॉपर्टी क्यों अलग है क्यों क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अलग है ठीक है बेटा चलो अच्छी बात है अब हम पहला स्टार्ट करते हैं इसके अंदर फर्स्ट क्या आता है चेन आइसोमेरिज्म बहुत ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ कान खोल के सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला ये लाइन तो हमेशा रहेगी अब कंपाउंड हैविंग कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन पेरेंट चेन और ब्रांच अगर पेरेंट चेन में डिफरेंस है फॉर्मूला सेम है स्ट्रक्चर अलग है स्ट्रक्चर क्यों अलग है क्यों क्योंकि पेरेंट चेन अलग है या फिर उसकी ब्रांच अलग है उसको हम क्या बोलेंगे चेन आई समझो ध्यान से हमने यहाँ पर लिखा ये सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू यहाँ लिखा सी एच थ्री कितने कार्बन है बेटा चार कार्बन है इसका आई यू पी सी नेम क्या हो जाएगा आई यू पी सी नेम हो जाएगा ब्यूट एन आई यू पी सी नेम क्या होगा ब्यूटेन कॉमन नेम क्या हो जाएगा एन ब्यूटेन अच्छे से जानते हो जब कोई ब्रांच नहीं होती तो क्या लिख देते हैं एन ब्यूटेन फॉर्मूला क्या है बेटा इसका सी फोर एच टेन ठीक है अब देखो हमने यहाँ पर लिखा ये सी एच थ्री सी यहाँ पर लिखा हमने सी एच थ्री देखो यहाँ से हमने लिखा यहाँ पर सी एच थ्री ये लिखा सी एच यहाँ लिखा हमने सी एच थ्री यहाँ लिखा सी एच थ्री पेरेंट चेन में कितने कार्बन है बेटा वन टू थ्री एक ब्रांच हो गई इसका नाम क्या हो जाएगा टू मिथाइल सेकेंड पे क्या था बेटा मिथाइल टू मिथाइल पेरेंट चेन में कितने कार्बन है तीन टू मिथाइल प्रोप सिंगल बॉन्ड है एन टू मिथाइल प्रोपेन आई बात समझ में बेटा कॉमन नेम क्या होगा जल्दी बताओ सेफ कॉमन नेम क्या है बेटा हम जानते हैं सेकेंड पोजीशन पर जब मिथाइल होता है तो क्या बोल देते हैं हम आइसो और टोटल कार्बन कितने हैं चार तो क्या हो जाएगा ये आइसो ब्यूटेन बात समझ में आ गई फॉर्मूला क्या था बेटा इसका इसका, इसका फॉर्मूला भी था सी फोर एच टेन तो देखो फॉर्मूला सेम है फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है स्ट्रक्चर भी क्यों अलग है क्योंकि पेरेंट चेन में कार्बन डिफरेंट है वन टू थ्री फोर यहाँ पेरेंट चेन में कितने कार्बन थे चार वहां पेरेंट चेन में कितने कार्बन थे तीन इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर स्ट्रक्चर आइसोमर में भी कौन सा चेन आइसोमर तो ये हो गया आपका चेन आईसुमर और देखिए आप एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा ये सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री क्या नाम है बेटा इसका इसका नाम हो गया पेंटेन टेन आई यू पी सी नेम क्या हो जाएगा इसका पेंटेन कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा इसका कॉमन नेम हो जाएगा एन पेंटेन क्लियर हो गया यहाँ तक बात फॉर्मूला हो जाएगा सी फाइव एच ट्वेल्व बिल्कुल सही अब एक हमने बनाया इसका ऐसे लिख दें हम उसको चार कार्बन हो गए हमने यहाँ पर चलो तुम्हारे लिए सही से लिख देते हैं हमने क्या करा यहाँ पर हमने बनाया ये सी एच थ्री सी एच टू सी एच ये लिखा हमने सी एच थ्री यहाँ पर लगाया हमने सी एच थ्री यहाँ बेटा पेरेंट चेन में कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर पेरेंट चेन में चार कार्बन है सेकंड पे क्या है आपका मिथाइल आई यू पी सी नेम क्या हो जाएगा जल्दी बोलो टू मिथाइल टू मिथाइल कितने का कार्बन थे चार चार के ना क्या आएगा ब्यूट सिंगल बॉन्ड है एन टू मिथाइल ब्यूटेन क्लियर हो गई यहाँ तक बात पक्की बात है कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका आइसो लगा दो क्यों आइसो लगाएंगे क्योंकि सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है तो यहाँ क्या लग गया आपका आइसो टोटल कार्बन पाँच थे तो क्या हो जाएगा आइसो पेंटेन सब सिखा रखा है ये आइसो नियो फॉर्मूला इसका भी वही आपका सी फाइव एस ट्वेल्व ठीक है बेटा फॉर्मूला सेम है आपका स्ट्रक्चर अलग है अच्छा हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रक्चर अलग है अगर आई यू पी एस सी नेम डिफरेंट आ गया अगर आई यू पी एस सी नेम डिफरेंट आ गया तो मतलब स्ट्रक्चर अलग है वो स्ट्रक्चर आइसोमर होगा यहाँ पेरेंट चेन में कितने थे बेटा यहाँ पेरेंट चेन में चार थे यहाँ यहाँ पेरेंट चेन में पाँच थे यहाँ पेरेंट चेन में चार थे एक और लिखा हमने यहाँ पर सी एच थ्री सी यहाँ लगाया हमने सी एच थ्री यहाँ लगाया सी एच थ्री यहाँ लगाया सी एच थ्री ये पेरेंट चेन में तीन हो गए इसका यूपीसी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है टू कॉमर टू प्रोपेन ठीक है बेटा कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका अगर सेकेंड कार्बन पर सेकेंड कार्बन पर दो मिथाइल हैं तो क्या लगाते हैं नियो क्या हो जाएगा नियो पेंटेन सारे कार्बन लिखते हैं फॉर्मूला इसका सी फाइव ट्वेल्व तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी तीनों का फॉर्मूला सेम तीनों का स्ट्रक्चर अलग तीनों आपस में आइसोमर कौन सा आइसोमर स्ट्रक्चर आइसोमर स्ट्रक्चर में भी कौन से चेन आइसोमर क्यों क्योंकि पेरेंट चेन में डिफरेंस था बात समझ में आ गई बेटा यहाँ तक यहाँ तक कोई डाउट तो किसी को नहीं है एकदम क्लियर है चलो अच्छी बात है और देखिए आप एग्ज़ाम्पल हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी है देखो जानते से मैंने यहाँ पर लिखा ये यहाँ ये लगाया मैंने यहाँ पर ये लगाया एक लिखा मैंने ये यहां क्या करा मैंने चलो एक और कर दे रहे हैं यहाँ पर यहां मैंने कर दिया आपका ये अब देखो ध्यान से बेटा यहां पेरेंट चेन में कितने थे आपके वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पेरेंट चेन में कितने वन टू थ्री फोर फाइव पेरेंट चेन में पांच पेरेंट चेन में पांच अब यहां देखो ये ये ब्रांच कौन सी है आपकी ये ब्रांच थी आपकी बेटा मिथाइल ये ब्रांच भी कौन सी थी, थी बेटा जल्दी बताओ ये, ये ब्रांच भी थी आपकी मिथाइल ये ब्रांच कौन सी थी ये ब्रांच थी इथाइल बात समझ में आ गई यहां तक ये ये ब्रांच दोनों मिथाइल थी ये थाइल थी अब कान खोल कर सुन लो अभी बात समझ में आपके आ जाएगी पेरेंट चेन सेम है लेकिन ब्रांच अलग है सुन लो ध्यान से यहाँ कौन सी ब्रांच थी मिथाइल यह कौन सी ब्रांच थी मिथाइल यह कौन सी ब्रांच है इथाइल अगर ब्रांच अलग है पोजीशन की बात नहीं हो रही है ब्रांच ही अलग है तब भी वो आपस में क्या होंगे बेटा चेन आइसोमर बात समझ में आ गई काउंट कर लो नंबर तो क्या, क्या बताया था आपको फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन पेरेंट चेन या तो पेरेंट चेन अलग हो या फिर ब्रांच अलग हो दोनों में से कोई भी चीज अगर अलग है तो वो क्या होगा आपका चेन आइसोमेरिज्म क्लियर हो गया तक अब हम आते हैं किस पे पोजिशन आइसोमेरिज्म पर पोजिशन आइसोमेरिज्म समझो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी सेकंड आपका आएगा पोजिशन आइसोमेरिज्म पहली बात यहाँ तक सेम कंपाउंड सेम है फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप पोजिशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या फिर पोजिशन ऑफ ब्रांच अगर पेरेंट चेन सेम है जी हाँ सुन लो यहाँ पर यहाँ कंपल्सरी कंडीशन है कि पेरेंट चेन तो सेम ही होनी चाहिए पेरेंट चेन अगर अलग हो गई तो वो कभी भी चेन आइसोमर हो ही नहीं सकता समझ में आई बेटा बात या फिर बात समझ में आई अगर पेरेंट चेन अलग हो गई तो वो कभी भी चेन आइस तो वो कभी भी पोजिशन आइसोमर नहीं हो सकता वो हमेशा चेन आइसोमर होगा पोजिशन आइसोमर की मस्ट कंडीशन क्या है कि पेरेंट चेन सेम हो और पोजिशन अलग हो किसकी या तो मल्टीपल बॉन्ड की या फंक्शनल ग्रुप की या ब्रांच की अब सुन लो सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पर पोजीशन आइसोमर मस्ट है सेम पेरेंट चेन एग्जांपल देखिए आप यहाँ लिखा मैंने आपका सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच वन टू थ्री क्या नाम होगा बेटा इसका प्रोप एन वन ऑल प्रोप वन ऑल आई नेम क्या था इस, इसका कॉमन नेम क्या था एन प्रोपाइल एन प्रोपाइल अल्कोहल क्या था एन प्रोपाइल अल्कोहल आई बात समझ में ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा है देखो ये सी एच थ्री सी एच यहाँ लिखा मैंने सी एच थ्री यहाँ लगाया मैंने ओ एच पेरेंट चेन में कितने हैं बेटा तीन आई यू पी सी नेम वन टू थ्री यहाँ भी पेरेंट चेन में कितने थे पेरेंट चेन में बेटा यहाँ पर भी तीन थे इसका आई यू पी सी नेम क्या होगा प्रोप एन टू ओल प्रोप एंड टू ओल बात समझ में आ गई बेटा कॉमन नेम क्या था कॉमन नेम था आई सो प्रोपाइल अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो ये बात समझ में आ गई पेरेंट चेन सेम है बट आई यू पी सी नेम डिफरेंट है आई यू पी सी नेम क्या है आपका डिफरेंट है क्यों डिफरेंट है क्योंकि पोजिशन अलग है तो जब भी पोजिशन अलग होगी तो वो क्या होगा बेटा पोजिशन आइसोमर। क्लियर हो गया यहाँ तक बात ठीक है बेटा नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं हमने लिखा ये सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल वन सी एच टू क्या नाम है वन टू थ्री फोर इसका नाम हो जाएगा ब्यूट इन ब्यूट वन इन क्लियर है बेटा फार्मूला क्या है इसका फार्मूला है आपका सी फोर एच एट अब यहाँ देखें आप ध्यान से हमने लिखा यहाँ पर ये यह एंड है राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी ही है ठीक है बेटा एंड चलो ऐसे लिख देते हैं हम हमने यहाँ पर लिखा सी एच थ्री सी एच डबल वन सी एच सी एच थ्री इसका नाम क्या होगा बेटा इसका नाम होगा ब्यूट टू इन क्लियर हो गया तक बात और इसका आपका सी फोर एच एट क्लियर हो गया तक बात बेटा इसका क्या था सी फोर एच एट इसका फॉर्मूला भी सी फोर एच एट पेरेंट चेन में कितने थे चार इसके भी पेरेंट चेन में चार थे पेरेंट चेन में कितने थे चार अलग क्या है पोजिशन किसकी मल्टीपल बॉन्ड की तो ये दोनों आपस में क्या होगा बेटा ये दोनों आपस में हो गए पी आई पोजिशन आई सुमर यहां देखो ध्यान से हमने लिखा ये यहां पर ये लगाया यहां पर ये लगाया हमने क्या करा बेटा यहां पर ये लगाया यहां पर ये लगाया हमने क्या करा बेटा यहां पर ये लगाया नाम देखो इसका इसका नाम हो जाएगा आपका वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है बेटा क्या नाम हो गया इसका टू कॉम ऑफ फोर डाए मिथाइल डाय मिथाइल पैंटेन पैंटेन तक देखें आप ध्यान से ये आपका one, two, three, four, five, two, three, dimethyl, बात समझ में आई डायथाइल पेंटेन ठीक है बेटा डाय मिथाइल पेंटेन वन टू थ्री फोर फाइव ये आपका हो जाएगा थ्री इथाइल थ्री इथाइल पेंटेन आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इन दोनों का ये वन था ये टू था ये थ्री था वन और टू का क्या रिलेशन है तो सुनो ध्यान से पेरेंट चेन सेम पांच पाँच ब्रांच सेम दोनों पे क्या था डायथाइल यहाँ पर भी क्या था डायमिथाइल अलग क्या है सिव और सिर्न अलग क्या है पोजिशन तो ये दोनों क्या होगा बेटा पी आई हो गए बात समझ में आ गई पोजिशन सेम होना चाहिए ब्रांच भी सेम होनी चाहिए सॉरी पेरेंट चेन भी सेम होनी चाहिए ब्रांच भी सेम होनी चाहिए लेकिन पोजिशन अलग है तो ये क्या होगा आपके पोजिशन आइसोमर अब ये देखिए और थ्री देखो पेरेंट चेन तो सेम है बट यहाँ पर ब्रांच ही बदल गई यहाँ ब्रांच क्या था दो मिथाइल थे यहाँ ब्रांच क्या है आपका इथाइल बात समझ में आ रही है अगर ब्रांच की पोजीशन अलग होती तो वो पोजीशन आइसोमर होता लेकिन यहाँ पर ब्रांच ही बदल गई तो यहाँ पर ये यह क्या हो जाएगा आपका चेन आइसोमर क्यों होगा समझ लो बच्चे यहाँ गलती करते हैं ज़रूरी नहीं है कि अगर पेरेंट चेन सेम हो तो वो हमेशा पोजीशन आइसोमर हो मैंने क्या कहा था मैंने ये कहा था अगर पोजीशन आइसोमर है अगर पोजीशन आइसोमर है तो पेरेंट चेन हमेशा सेम होगी बट मैंने ये नहीं कहा कि अगर पेरेंट चेन सेम है तो हमेशा पोजीशन आइसोमर होगा ऐसा नहीं कहा ना मैंने पोजिशन आइसोमर की डेफिनेशन क्या थी जिसमें आपका फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसमें या तो पेरेंट चेन अलग हो या ब्रांच अलग हो कंपेयर कर लो अगर मैं टू और थ्री को भी कंपेयर करता हूं तो क्या आएगा चेन आइसोमर क्यों क्योंकि यहाँ पर ब्रांच अलग है उम्मीद करता हूँ ये बात सबके समझ में आ गई होगी कुछ क्वेश्चन देखते हैं अब आपको बताएं भाई इसमें किसमें चेन आइसोमर आइसोमेरिज्म है किसमें पोजिशन आइसोमेरिज्म है तो देखो वन टू थ्री पेरेंट चेन सेम वन पे लगा हुआ है ओ एच वन टू थ्री यहाँ टू पे लगा हुआ है तो ये दोनों क्या होगा बेटा ये दोनों होगा पी आई चलो इतनी बात सबके समझ में आती होगी अभी देखो पेरेंट चेन देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पेरेंट चेन में कितने छः हैं यहाँ देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पेरेंट चेन में कितने हैं छः यहाँ देखिए वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पेरेंट चेन में कितने हैं फाइव हम जानते हैं जितने भी मल्टीपल बॉन्ड होंगे सबको पेरेंट चेन में लेना कंपलसरी है तो वन टू थ्री फोर यहाँ पेरेंट चेन में कितने हैं चार अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको लिख दिया मैंने वन इसको लिख दिया मैंने टू ये लिखा मैंने थर्ड ये लिखा मैंने फोर्थ हम कंपेयर करते हैं कि वन और टू वन और टू आपस में क्या है तो बेटा समझ लो ध्यान से पेरेंट चेन में छ पेरेंट चेन में छः यहाँ पर आपका वन पे डबल बॉन्ड है और फाइव पे डबल बॉन्ड है यहाँ वन पर है और फोर पर है तो पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड अलग है तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका पोजिशन है इस अब हम बात करते हैं सेकंड एंड थर्ड में सेकंड एंड थर्ड को देखो पेरेंट चेन में कितने छः पेरेंट चेन में कितने पाँच जैसे ही पेरेंट चेन अलग हो गई क्या बन गया वो चेनाईस उमर ऐसी हम बात करते हैं आपका थ्री और फोर थ्री और फोर बेटा पेरेंट चेन में पाँच पेरेंट चेन में चार चेनाईस उमर तो ये बात सबके समझ में आ गई ये एग्जाम्पल तो मैंने अभी आप आपको दिया ही था वन टू थ्री फोर फाइव पेरेंट चेन में कितने थे यहाँ पर पांच थे और यहाँ दोनों क्या थी आपकी मिथाइल थी अभी जो पीछे मैंने एग्जाम्पल दी थी वही है यहाँ पर देखो पेरेंट चेन में वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ क्या है आपका इथाइल यहाँ पर देखो वन टू थ्री फोर फाइव ये क्या है आपका बेटा मिथाइल मिथाइल और ये भी क्या है आपका मिथाइल तो देखो यहाँ पर यह, हम बात करें वन और टू में वन और टू अभी बताया मैंने आपको वन और टू में हम देखें ब्रांच ही बदल गई जब ब्रांच बदल जाती है तो क्या होता है चेन आइसोमर आपका या तो पेरेंट चेन बदले या फिर आपकी क्या बदले बेटा ब्रांच ब्रांच बदल गई तो ये क्या हो जाएगा आपका चेन आईसुमर अब हम हम बात करें वन और थ्री में पीछे समझाया था पूरा अभी और थ्री में अगर हम बात करें तो ब्रांच की पोजीशन बदल गई तो ये क्या हो जाएगा आपका पोजिशन आईसुमर उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी आपके क्लियर हो गई होगी ठीक है बेटा कहानी को आगे बढ़ाते हैं इसमें बताएं है आप देखो पेरेंट चेन में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पहले पेरेंट चेन देखनी है यहां देखो वन टू थ्री फोर फाइव नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा इसमें देखो वन टू थ्री फोर फाइव हम अगर वन और टू को कंपेयर करते हैं वन और टू पेरेंट चेन में छ पेरेंट चेन में पांच तो ये क्या हो जाएगा आपका चेन आइसोमर हम कंपेयर करते हैं वन और वन और थ्री को तो पेरेंट चेन में पांच पेरेंट चेन में पांच बट सुनो ध्यान से यहाँ पर चेन में छह है और पेरेंट चेन में कितने हैं पांच है फॉर्मूला ही सेम नहीं है आई बात समझ में यहाँ पर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया टोटल कार्बन काउंट कर लो छह है यहाँ टोटल कार्बन कितने हैं पांच है, है। इसमें काउंट कर लो टोटल कार्बन पाँच ही होगा ही हो गया छे तो फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए ना अगर फॉर्मूला ही सेम है तो क्या होगा वो आइसोमर ही नहीं होगा नॉट एन आइसोमर नॉट एन आइसोमर बात समझ में आ गई क्यों क्योंकि बिकॉज फॉर्मूला इज डिफरेंट फॉर्मूला दोनों का अलग है मैंने क्या कहा था मस्ट कंडीशन क्या है कि फॉर्मूला सेम होना चाहिए था इसमें देखिए आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसमें देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ है नहीं यहाँ पर तो आपका अब बेटे सुनो ध्यान से यहाँ पर देखिए आप ध्यान से हम वन और टू में कंपेयर करें अगर पोजीशन अलग है ये क्या हो जाएगा आपका वन टू डाई बेंजीन नाम लिख दें आप कहते हैं तो चलो ये हो जाएगा आपका वन कॉमा टू डाई मिथाइल डाय मिथाइल वन कॉमा टू डाई मिथाइल ये हो जाएगा आपका वन कॉमा थ्री डाय डायमिथाइल बेनजीन ये हो जाएगा आपका इथाइल बेंजीन एथाइल अब तो मैं समझ रहा हूं कि सबके समझ में आ गया होगा देखो ब्रांच सेम है बेंजीन सेम है अलग क्या है पोजीशन तो वन और टू क्या होगा आपस में पीआई हम बात कर रहे हैं आपका वन और थ्री यहाँ इथाइल है यहाँ क्या है मिथाइल जब ब्रांच बदल गई तो क्या हो गया आपको चेनाई सुमर हम बात कर रहे हैं टू और थ्री ये भी क्या होगा आपके चेनाई सुमर तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सबके समझ में आ ही गया होगा कहानी को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट आप देखें राइट ऑल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन हमें हेक्सेन के सारे आइसोमर लिखना है तो ध्यान से देखो पहला आइसोमर आपका दो तीन चार पाँच छः हेक्सेन का फॉर्मूला ये तो होता है बेटा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्सेन ठीक है अब हमने क्या करना है यहाँ से उठा के एक ब्रांच लगा देनी है दो तीन चार पाँच यहाँ हमने ब्रांच लगा दी देखो ये वन टू थ्री फोर फाइव इसका नाम क्या हो जाएगा टू मिथाइल इसका नाम हो गया आपका टू मिथाइल पेंटेन ठीक है बेटा क्या नाम हो गया टू मिथाइल पेंटेन क्लियर हो गया यहां तक बात पैरेंट चेन में पांच रह गए हम इसको कंपेयर करें पांच हमने यहां ब्रांच लगा दी इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका हो जाएगा थ्री मिथाइल थ्री मिथाइल पेंटेन ठीक है बेटा क्लियर हो गया यहाँ तक बात वन टू थ्री फोर फाइव थ्री मिथाइल पेंटेन अब हम क्या करें पेरेंट चेन में चार ले लें सिर्फ तो वन यहाँ लगा दिया एक यहाँ लगा दिया वन टू थ्री फोर टू कॉमा थ्री डाई मिथाइल टू कॉमा थ्री डाई मिथाइल कितना हो गया बेटा ब्यूटेन क्लियर हो गया यहाँ तक बात अभी अभी टोटल कितने का बने छः चार ये और दो ये अब हमने क्या कर दिया ये कर दिया वन टू थ्री फोर टू कॉमर टू डाई मिथाइल डाय मिथाइल ब्यूटेन ठीक है बेटा टोटल कितने बनेंगे सिर्फ और सिर्फ पांच ही बनेंगे तुम चाहो कि तुम ये बना दो तुम कहो कि सर हम ये बना देंगे नाम सेम आ जाएगा वन टू थ्री फोर तो ये कोई आइसोमर नहीं है अगर आई यू पी एस सेम आ गया तो वो कोई आईसोमर नहीं है तुम कहो कि सर हम तो ये बना देंगे इसमें भी ना, अब नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी नंबरिंग वहाँ से होती है जहाँ से ब्रांच हमें पहले मिलती है तो ये सेम आ जाएगा किसके सेम आ जाएगा ये आपका ये इसके सेम आ जाएगा तो ये भी कोई आइसोमर नहीं है टोटल कितने बने पाँच बने अब इसमें भी ज़रा रिलेशन देखते हैं हम कंपेयर करें आपका वन और टू पेरेंट चेन अलग है एक में पेरेंट चेन में छः है एक में पाँच है तो ये आपका होगा चैन आईस हम कंपेयर करें टू और थ्री पेरेंट चेन में पाँच पेरेंट चेन में पाँच मिथाइल मिथाइल थर्ड पोजिशन पर तो ये हो जाएगा आपका पोजिशन आइसोमर हम बात करें थ्री एंड फोर पेरेंट चेन में पाँच पेरेंट चेन में कितने होगा चार तो कितना हो जाएगा बेटा ये चेन आइसोमर हम कंपेयर करें इन दोनों को पेरेंट चेन सेम है कितना है ब्यूटेन ब्यूटेन चार चार कार्बन की अलग क्या है पोजीशन तो आपका फोर और फाइव में अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये हो जाएगा पीआई आपसे पूछा जाए हेगजेन के कितने चेन आइसोमर बनेंगे चेन नॉट टोटल चेन आइसोमर कितने बनेंगे देखो इसमें छ चे की चेन इसमें पांच की चेन इसमें चार की चेन तो इसमें चेन आइसोमर बेटा कितने हैं चेन आइसोमर हमारे कितने हैं क्वेश्चन है ये टोटल चेन आइसोमर टोटल आइसोमर तो पांच है टोटल चेन आइसोमर कितने हैं बेटा टोटल चेन आइसोमर है तीन बट टोटल आइसोमर टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर कितने हैं बेटा पांच तो दोनों बात याद रखना कंफ्यूज मत होना उम्मीद करता हूं ये ये भी एग्जाम्पल ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास हाउ मैनी मोनोक्लोरो आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग ओनली स्ट्रक्चर आइसोमर क्या मतलब हुआ सुन लो ध्यान से हमें क्या करना है हमें एक सी एल लगाना है हाइड्रोजन को निकाल के दूसरी बात पर भी फोकस करो हाइड्रोजन हटाओगे सी एल लगाओगे तुम क्या कर सकते हो यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ तुमने क्या करा बेटा तुमने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया क्या नाम हो जाएगा वन टू इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, क्लोरो इथेन बात समझ में आ गई बेटा क्लोरो इथेन अब तुम कहो कि सर यहाँ से क्यों यहाँ से क्यों हटा दे यहाँ से हटा दो तुम तुम यहाँ से भी अगर हटाओगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम भी क्या हो जाएगा आपका वन टू इथेन क्योंकि नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से हमें ब्रांच पहले मिलेगी नाम सेम है तो टोटल कितना बना ओनली वन ओनली वन एक ही आइसोमर पॉसिबल था बात समझ में आ गई अब यहाँ देखो यहाँ कितने पॉसिबल हैं बेटा यहाँ दो पॉसिबल हैं शाबाश एक सी एच थ्री सी एच टू एक लिखा मैंने ये सी एच टू क्या नाम हो जाएगा वन टू थ्री इसका हो जाएगा क्लोरो क्लोरो प्रोपेन शाबाश आयक्ष बेटा और बताओ सेकंड क्या होगा एक आपका है प्लस लगा दें यहाँ पर हम हमने प्लस करा अब हमने यहाँ लिख दिया सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री दोनों ही पॉसिबल हैं इसका हो जाएगा वन टू थ्री तो ये हो जाएगा आपका जल्दी बोलो इसका हो जाएगा टू क्लोरो टू क्लोरो प्रोपेन ठीक है बेटा बात समझ में आ गई सानिया बात क्लियर हो गई आपके यहाँ तक ये हो जाएगा टू क्लोरो प्रोपेन क्लियर है हाँ भाई यश इसके बताओ कितने होंगे जल्दी जल्दी बताओ सुनो ध्यान से यहाँ लगाओगे दोनों का नाम सेम आएगा वन क्लोरोब्यूटेन ब्यूटेन यहाँ लगाओगे दोनों का नाम सेम आएगा वन क्लोरोब्यूटेन तो यहाँ पर भी कितने होंगे यहाँ पर भी आपके दो होंगे ये हो जाएगा तो वन टू थ्री फोर क्लोरो क्लोरो ब्यूटेन ठीक है बेटा हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर आइसोमर की ही बात कर रहे हैं अभी और ये हो जाएगा आपका टू क्लोरो टू क्लोरो ब्यूटेन उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी टोटल कितने बने इसके भी दो बने इसके भी कितने बने दो उसका कितना था एक पॉसिबल था अब नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करें आप मेरे करने से पहले ही सबके आंसर बता दें आप बता दिए पॉज कर देना वीडियो देखो यहाँ पर कितना पॉसिबल है मुझे क्या करना है बेटा एक एच हटाना है और सी एल लगाना है सब पे एक ही एच होगा तो मैंने क्या कर दिया एक एच हटाना है सी एल कहीं भी लगाओ नाम क्या रहेगा इसका नाम बेटा कहीं भी लगाओगे नाम क्या रहेगा नाम रहेगा क्लोरो क्लोरो बेंजीन तो कितना बनेगा ओनली वन ठीक है बेटा क्लोरो बेंजीन एक ही बनेगा यहाँ देखिए आप यहाँ मुझे एच हटाना है यहाँ तो एच होगा नहीं यहाँ एच होगा यहाँ एच होगा यहाँ एच होगा तो मुझे अगर एच हटाना है यहाँ पर तो मैं क्या करूंगा ये लगाया मैंने सी एल ये लगा दिया सी एल इसका नाम क्या हो जाएगा वन टू डाई क्लोरो बेंजीन एक और क्या पॉसिबल है बेटा यहां ध्यान से देखिए आप एक पॉसिबल हो जाएगा आपका ये देखो 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन एक हो जाएगा बेटा आपका 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन ठीक है ना बेटा 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन और तो कोई पॉसिबल नहीं होगा अगर तुमने क्या करा तुमने यहां लगा दिया तुम कहो सर कैसी बातें कर रहे हैं आप एक हम यहां लगा देंगे तो देखो तो ये दोनों सेम होगा फिर से इनका नाम क्या हो जाएगा आपका वन कॉमर थ्री डाई क्लोरोबैंगजीन क्यों क्योंकि अब नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी बात समझ में आ गई तो कितने बने ओनली थ्री कितने बेटा बेटा कितने बने ओनली थ्री आई सुमर अब इसमें देखें हमें यहाँ करना है अब सी एल कहाँ कहाँ लग सकता है एक तो यहाँ लग सकता है यहाँ लग सकता है यहाँ लग सकता है बना दें पहले जैसे बनाए थे हमने तो यहाँ पर हमने ये सी एच थ्री है यहाँ पर एक सी एल फिर दूसरा लगाया हमने यहाँ पर देखो ध्यान से बेटा कितने बन गए यहाँ पर ये सी एच थ्री ये दूसरा सी एल एक और लगा दिया हमने ध्यान से देखें आप हमने क्या करा ये सी एच थ्री है एक है, तीन तो ये बन गए बट बेटा यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है देखो तो यहाँ तो हाइड्रोजन होगा नहीं ठीक है ना क्योंकि हाइड्रोजन हटा के सी एच थ्री लगा दिया ऐसे यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि चारों वैलेंसी पूरी हैं एच हटा के सी एल लगा दिया बट यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ना तो हम क्या कर दें हम कुछ ऐसा कर दें यहाँ से हम क्या करें बेटा यहाँ से हम हटा देते हैं एक एच और यहाँ लगा देते हैं सी एल तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी टोटल कितने बने बेटा इसके टोटल बने चार क्लियर हो गए तक बात कोई डाउट तो नहीं है किसी को लिख लिया होगा नेक्स्ट पे आते हैं अब हम एक दो बच्चे हैं बस अब हम आते हैं इसके ऊपर इसका बताओ आप लोग देखो ध्यान से यहाँ कितने बनेंगे हमें एच हटा के सी एल लगाना है सबसे पहले तो हम करते हैं कहाँ पर यहाँ पर यहाँ का एच हमने हटाया सी एल लगाया और हमने क्या करा हमने यहाँ एज इट इज लगा दिया ये फिर हमने क्या करा बेटा ये बैनजीन है ठीक है मैंने ऐसा सर्कल सा बना दिया है ऐसे ही देखो नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे बेटा नेक्स्ट हमने यहाँ पर तो ऐच नहीं हटाया हमने एच कहाँ का हटाया हमने यहाँ का एच हटाया फिर हमने क्या करा फिर हमने बनाया ये देखो ध्यान से हमने यहाँ पर सी एच टू ये आपका सी एच टू सॉरी बेंजीन हमने यहाँ लगा दिया फिर हमने क्या करा बेटा एक हमने लगाया ये देखो ध्यान से सब लोग सबके समझ में आ गया होगा ये हमने एज इट इज बना दिया यहां लगा दिया लगा कितने बन गए तो चार अब तुम यहाँ लगाओगे तो वो ये वाला रिपीट हो तो जाएगा यहाँ लगाओगे तो ये वाला रिपीट हो तो जाएगा इस वाली पेन में लगाओगे तब भी सब रिपीट हो जाएंगे तुम सीएल क्या करो यहाँ ना करके यहाँ लगाओ तो मतलब घुमा के ही तो रख दिया हमने तो टोटल कितने बने यहाँ पर टोटल यहाँ पर भी कितने बने बेटा टोटल कितने बने फोर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था समझ में आपके आ गया होगा अब यहां ध्यान से देखो देखो ये एक्चुअल में है क्या ये है आपका न्यो पेंटिन ये नाम से भी आया हुआ है कहीं भी लगा दो कहीं भी लगा दो बेटा कहीं भी लगा दो कितने बनेंगे आपके कहीं भी यहां तो यहाँ तो एच है नहीं यहाँ तो एच है नहीं जो तुम यहाँ लगाओ इन सब पे एच है तो क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी यहाँ पर ये सी एच थ्री सी एच थ्री ये हो गया आपका सी एच टू सी एल वन टू थ्री ये पेरेंट चेन हो गई वन पे क्या है क्लोरो क्लोरो टू कॉमर टू, टू, टू मिथाइल कितने कार्बन थे प्रोप प्रोपेन आई बेटा बात समझ में अब कहो सर हम यहाँ लगा के हम यहां लगाएंगे चलो तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं हम तुम यहां ना लगा के यहां लगाओगे अगर तो देखो ये तुम्हारा हो जाएगा सी एच टू सी एल ये सी एच थ्री ये सी एच थ्री अब पेरेंट चेन क्या हो जाएगी ये हो जाएगी क्योंकि ब्रांच हमें यहाँ से पहले मिल रही है वन टू थ्री सेम हो जाएगा वन क्लोरो टू टू डायमसाइल प्रोपेन तो कितना बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट ओनली वन सिर्फ एक ही बनेगा इसमें देख लो ध्यान से इसका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ ये आपका हो गया सी एच थ्री ये सी यहाँ पर ये सी एच थ्री यहाँ पर सी एच थ्री सी यहाँ पर भी ये सी एच थ्री है सी एच थ्री सी एच थ्री कहीं भी लगाओ तुमने क्या करा तुमने यहाँ से हटाया तुमने यहाँ से के लगा दिया One, two, three, four. Parent में कितने हो गए? चार नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका इसका नाम हो जाएगा आपका वन क्लोरो टू थ्री कॉमा थ्री टू कॉमर टू थ्री कॉमा थ्री डाय मिथाइल डाय मिथाइल नॉट डाए टू कॉमर टू थ्री कॉमर थ्री टेट्रा मिथाइल ये हो जाएगा आपका टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन टैट्रा मिथाइल ब्यूटेन ठीक है बेटा बात समझ में आ गई यहां तक ये इतनी कहानी क्लियर हो गई सबके कोई दिक्कत तो नहीं है ना क्लियर हो गई यहां तक बात बहुत खुशी की बात अब तुम तो अगर यहां लगाओगे तुमने क्या करा बेटा तुमने क्या करा अब देखिए आप ध्यान से आपने क्या करा अब इसको हमने ऐसा कर दिया हमने लगाया यहाँ पर सी एच थ्री सी सी एच थ्री ये बनाया हमने सी एच थ्री ये बनाया सी ये बनाया हमने सी एच टू सी एल ये सी एच थ्री ये सी एच थ्री अब देखो बेटा ध्यान से वन टू थ्री फोर फिर से पैरेंट चेन में चार आ गए और नाम क्या आ गया सेम आ गया वन क्लोरो टू कॉमर टू थ्री कॉमर थ्री टेट्रामिथाइल ब्यूटेन तो यहाँ भी कितना बना बेटा ओनली वन बहुत इंपॉर्टेंट था ओनली वन सब बहुत इंपॉर्टेंट थे नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पे क्या है हमारा इसका बताओ तो बेटा कितने होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सबसे पहले क्या करोगे सी एल यहाँ लगाओ सी एल एक दो तीन यहाँ पर ये यहाँ आपने सी एल लगाया क्या नाम हो जाएगा वन टू थ्री फोर इसका हो जाएगा क्लोरो क्लोरो इसका नाम हो जाएगा बेटा क्लोरो क्लोरो थ्री मिथाइल मिथाइल ब्यूटेन ठीक है बेटा क्लोरो थ्री मिथाइल ब्यूटेन क्लियर हो गया तक बात नेक्स्ट हम यहां ने लगा के यहां लगाते हैं आप तो देखो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा यहां लगाया हमने इसका नाम हो जाएगा बेटा देख लो जानते वन टू थ्री फोर टू क्लोरो टू क्लोरो थ्री मिथाइल टू मिथाइल ब्यूटेन ठीक है बेटा अब तुम क्या करो यहाँ निक करके यहाँ लगाओ हम क्या करते हैं हम यहाँ लगाते हैं अब हमने यहां लगाया यहाँ सी एल लगाया वन टू थ्री फोर ये हो जाएगा आपको टू मिथाइल नंबरिंग वहां से कर दी जहां से ब्रांच पहले मिली टू मिथाइल ब्यूटेन आई नेमिंग तो अच्छे से रखी है आपको क्लियर हो गया तक बात ये बन गया अब यहाँ लगाते हैं देखते हैं नाम सेम आता है यहाँ लगाता है हमने यहाँ लगाया हमने क्या करा यहाँ लगा दिया सी एल अब देखो नंबरिंग कहां से कर देंगे यहां से कर देंगे वन टू थ्री फोर क्या नाम आ गया इसका क्लोरो क्लोरो टू मिथाइल क्लोरो टू मिथाइल कितने कार्बन थे चार चार के लिए क्या आ जाएगा आपका ब्यूटेन ये बात समझ आ गई बेटा देखो ये और ये डिफरेंट है यहाँ पर वन पे क्लोरो था है यहाँ भी वन पे क्लोरो है बट यहाँ थ्री पे मिथाइल था यहाँ टू पे मिथाइल आ गया तो ये दोनों पोजिण, ये पोजिशन और ये पोजिशन सेम नहीं है अब चलो यहाँ लगा के देखते हैं एक और रह गया हमारा हमने क्या करा यहाँ यहाँ एल लगा दिया अब देखो पेरेंट चेन कौन सी हो जाएगी वन टू थ्री फोर वन क्लोरो वन क्लोरो। मिथाइल वन क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन तो सुन लो ध्यान थे बेटा सेम हो गया ये दोनों क्या थे सेम थे इसका मतलब ये काउंट नहीं होगा टोटल कितने हो गए टोटल आपके हो गए बताओ बेटा टोटल कितने हो गए टोटल हो गए आपके इसके अंदर वन टू थ्री फोर फोर टोटल कितने हो गए फोर तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये बात आप सबके समझ में आ गई होगी और ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आज के इस लेक्चर में इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो आइसोमेरिज्म मैगज हैं वो सब ठीक है ना बेटा तब तक के लिए टाटा बाय बाय अल्ला हाफिज़ खुदाफिज़ नमस्ते अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो